ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वुमेन्स क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर एक, मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, बड़े हो जाएं फिर बिजनेस करूंगी। इस पर अपलाइन क्या जवाब देते हैं, आइए सुनते हैं। ये तो बहुत अच्छा मौका है कि इन बच्चों के लिए हम कुछ रॉयल्टी इनकम बना दें। आपने देखा होगा कि 3 महीने के छोटे बच्चे को छोड़कर लेडीज 8 से 10 घंटे की जॉब पर जाती हैं और घर के काम भी संभालती हैं। बड़े होकर बच्चे को कुछ याद नहीं रहता कि उसकी मम्मी या पापा उसे बचपन में छोड़कर कितनी देर और कितनी दूर गए थे। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है और उससे पैसे से जुड़ी जरूरतें हम पूरी नहीं कर पाते तो वह उसे पूरी ज़िंदगी याद रहती है। यह बिजनेस हम इसलिए करते हैं ताकि हम अपने बच्चों से और उसके भविष्य से प्यार करते हैं। आइए मिलकर इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं। इसी क्वेश्चन का दूसरा आंसर आइए वो भी सुन लेते हैं। जैसे हम बच्चों को लेकर मार्केट जाते हैं, फ्रेंड्स को मिलने जाते हैं, वैसे ही मीटिंग्स में 2 साल से छोटे बच्चे आ सकते हैं। आप उन्हें पीछे लेकर बैठ सकती हैं ताकि बाकी लोग डिस्टर्ब ना हो, और साथ में आप कुछ बिना आवाज़ वाले खिलौने, बच्चों का खाना पानी ले आना चाहिए ताकि बच्चे आपको परेशान ना करें। जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनके स्कूल जाने के बाद हम इस काम को सीख सकते हैं, काम कर सकते हैं। ये कंपनी हमें एक बहुत बड़ा अवसर देती है कि हम बच्चों के साथ इस काम को उनके उज्जवल भविष्य के लिए कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मैं रात को मीटिंग में नहीं जा सकती। लेडीज़ के लिए मीटिंग दिन में ही होती है, हम अपने दिन के काम को मैनेज करके लेडीज़ मीटिंग्स में जाते हैं और बिजनेस करके अपने लिए 50,000 रुपये महीना कमाना सीखते हैं। आओ मिलकर बढ़िया पैसा कमाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मीटिंग के टाइम पर काम वाली आती है। हमें अपनी लाइफ में वैसे भी कामयाबी का चैलेंज आता है, जैसे अगर हमें अपने पेरेंट्स के पास जाना है या किसी पार्टी में जाना है, शॉपिंग करने जाना है या बच्चों की हॉबी क्लास में ले जाना है इत्यादि, तब हम उससे बोलकर टाइम बदलवा लेते हैं। अगर नहीं तो कोई नई काम वाली रख लेते हैं। क्या इनमें से किसी काम से हमारी इनकम बढ़ी? नहीं बढ़ी। तो क्या आप चाहती हैं कि एक बढ़िया 50 से 60 हज़ार रुपये की परमानेंट इनकम जो कभी बंद न हो? यस, कई बार काम वाली को उसी टाइम पर ज़्यादा पैसे में काम मिल जाता है तो वो हमारे यहाँ से काम छोड़ जाती है। तो क्या हम अपने सुनहरे भविष्य के सामने काम वाली को रुकावट बनने देंगे? नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4, मैं घर घर नहीं जा सकती। यह काम घर जाने का नहीं है, अगर ऐसी ज़रूरत होगी तो कंपनी सेल्समैन रख लेती। हम अच्छी सेहत की इंफॉर्मेशन को अपने जानने वाले को बताते हैं, जैसे आम लाइफ में हम एक दूसरे के घर मिलने जाते हैं, किटी पार्टीज में जाते हैं, इस बार भी वैसा ही है। लेकिन कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन और एक्स्ट्रा पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी भी बतलाते हैं, इसमें दोनों का ही फायदा है। क्वेश्चन नंबर 5, मेरे हस्बैंड को ये काम पसंद नहीं है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। कैसा रहेगा कि हम ये अच्छी इन्फॉर्मेशन और डेमो उन्हें भी दिखाएं? जब वो ये सब कुछ देखेंगे तो वे आपका साथ जरूर देंगे। आइए मिलकर इस काम को करते हैं। इसी क्वेश्चन का दूसरा आंसर क्या होगा, आइए वो भी सुनते हैं। अच्छा, आपके हस्बैंड सुबह कितने बजे ऑफिस जाते हैं? सुबह 9 बजे। और रात को घर कितने बजे आते हैं? रात को 9 बजे। दिन में उनसे कितनी बार बात हो पाती है? मुश्किल से एक बार। क्या आपको उनका ये काम पसंद है? नहीं, पर पैसे की मजबूरी में घर का खर्चा चलाने के लिए हमें उनका काम पसंद करना पड़ता है। अभी उनको इस बिजनेस के फैक्ट्स पता नहीं है, हम शाम को आकर उनको ये बिजनेस दिखाएंगे और उन्हें ये समझाएंगे कि यह बिजनेस पैसे कमाने के लिए नहीं बल्कि पैसे कमाने की चिंता से मुक्ति के लिए करना है। फिर भी पसंद न आए तो कोई बात नहीं, एक कप चाय पियेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगी ये। मैं भी इस काम को टफ समझती थी तो मैंने अपने सीनियर की हेल्प ली, कुछ सक्सेसफुल लोगों की सीढ़ी सुनी, बुक्स पढ़ी, तब मैं आसानी से इस बिजनेस को कर सकी या कर सका। मैं भी आपकी हेल्प करूंगी और करूंगा, हम दोनों मिलकर जरूर कर लेंगे, आओ मिलकर बढ़िया काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मेरी फैमिली के लोग, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाते हैं। जब हम अपने घर में होने वाले बर्थडे पार्टी, पूजा पाठ को इम्पोर्टेंस देते हैं तो लोग भी उसे उतना ही ज़्यादा या कम इम्पोर्टेंस
देते हैं, वैसे ही जब हम इस बिजनेस को प्रायोरिटी नहीं देते, किसी प्रोग्राम में ना जाना, मीटिंग अटेंड ना करना, रिलेटिव्स के चक्कर में सेमिनार्स एंड इवेंट्स में नहीं जाना, तो लोग भी हमारे बिजनेस पर फेथ नहीं करते। इसमें हमारा ही नुकसान होता है। अगर हम बिजनेस को प्रायोरिटी नहीं दे तो हमारा काम और विश्वास देखकर लोग हमें अपना लीडर स्वीकार नहीं कर पाते। इसमें हमारा ही नुकसान है। इसका सलूशन यह है कि हम अपनी ट्रेनिंग क्लासेस को रेगुलर अटेंड करें और सफल बने और फिर अपनी सक्सेस दिखाएं। क्वेश्चन नंबर 8, मैं पहले से ही जॉब करती हूँ, फिर घर के काम और बच्चों से बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, मैं ये कैसे काम कर सकती हूँ? क्या ऑफिस में 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करना पड़े तो आप नहीं करोगे? करेंगे। क्या वहाँ एक्स्ट्रा काम करके पैसे की टेंशन खत्म हो जाएगी? नहीं होगी। यहाँ जॉब और फैमिली के साथ साथ थोड़ा थोड़ा काम करके खुद का ऑर्गेनाइजेशन बनाकर हजारों लेडीज जॉब से फ्री हो चुकी हैं और हस्बैंड वाइफ पूरी दुनिया की सैर कर रहे हैं। घर के काम के लिए ड्राइवर्स, कुक्स, माली और सिक्योरिटी गार्ड्स रखे हैं। क्या यह जॉब से पॉसिबल हो पाएगा? हमें यहाँ नॉन प्रोडक्टिव टाइम लगाना है। अगर वो अभी भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए राजी न हो तो कहें शायद अभी आपका बिजनेस में रुचि नहीं है, लेकिन आप अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स तो यूज करना चाहोगे और कुछ प्रोडक्ट्स उन्हें रिटेल कर दें। अगर तब भी न माने तो उनसे कहें कि आप कुछ लोगों के नंबर दे सकते हैं जिनसे आपको लगता होगी इस बिजनेस की उनको ज़रूरत है।